दोस्तों आज घर पे जो है आलू की चटनी बनने वाली है। और सच कहूँ तो दोस्तों जो आलू चटनी होती है वो वास्तव में जो है सब्जी से भी जो है बेहतर, उसमें मज़ा आता है, टेस्ट आता है। अगर बनाने वाले ने जो है अच्छी तरीके से जो है बनाई है तो बहुत टेस्टी होती है आलू की चटनी। तो दोस्तों आज आलू चटनी कैसे बनाते हैं तो आज हम आपको स्टेप बाई स्टेप जो है दिखाने वाले हैं, वो भी जो है सिल बट्टे पे, जो कि बहुत बहुत आसान है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने जो है आलू को जो है कुकर में जो है उबाल लिया है, ठीक है। और हमने जो है दो जो है पटेटो लिए हैं, दो आलू उबाल लिए हैं और उसका जो है छिलका उतार लिया है। उसके बाद दोस्तों हमने जो है अपने स्वाद के अनुसार जो हरी मिर्च है दो ली है, और 3 कली जो हमने जो है लहसुन की ली है, और जो है ये साल्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो हरी मिर्च की जो है कुटाई करेंगे, और साथ ही हमने जो है लहसुन को भी ले लिया है, और साथ ही जो है हम नमक को भी इस पर सिलबट्टे पर डाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं, देखिए। दोस्तों सिलबट्टे की जो चटनी होती है उसको जो खाने का जो मजा होता है दोस्तों वो अपने अलग ही होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारी जो हरी मिर्च है और लहसुन की कली और जो हमारा नमक था वो उसकी जो है मिर्च की कुटाई कर ली है। अब हम जो है आलू की जो है कुटाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आलू की कुटाई कैसे करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपने भी जो है सिलबट्टे पे, अगर आपके घर सिलबट्टा है या अगर कुंडी छोटा है तो कुंडी छोटे में आप जो उसकी कुटाई कर सकते हैं, ठीक है। बट जो मज़ा कुंडी छोटी और सिलबट्टे की चटनी में आता है दोस्तों वो मिक्सी वाली चटनी में कभी भी नहीं आता है। तो बिल्कुल देसी अंदाज में गाँव देहात में जो आलू चटनी बनाते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी जो है आलू की जो है कुटाई हो चुकी है। अब हम आलू को जो है लस्सी के साथ जो है मिक्स करेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब जो है हम जो है इसको जो है कुटे हुए आलू को जो हमने कुटाई की थी हम इसको जो है बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि जो है अब इसमें जो है लस्सी की जो मिक्सिंग करेंगे, क्योंकि वो सिलबट्टे पे जो उसकी मिक्सिंग नहीं हो सकती। तो हमें जो इसको जो कटोरे में या किसी भी बर्तन में हमें निकालना होगा, तभी जाके जो इसकी जो है लस्सी के साथ जो है मिक्सिंग हो पाएगी। तो हम इसको निकाल लेते हैं कटोरे में। तो दोस्तों हमने जो है बाउल में आलू निकाल लिया है, अब इसमें हम जो है लस्सी मिलाएंगे। जैसे कि आपको जितनी भी आपको जैसे भाई पतली पसंद है या फिर टाइट पसंद है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग आप जो है लस्सी की जो है इसमें मिक्सिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर बाद में आप जो है किसी भी चम्मच की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से जो है इसको मिक्स कर लेंगे। तो लस्सी जो है इसमें वो डालेंगे, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसको जो अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमने जो है और लस्सी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और हमारी जो चटनी है दोस्तों वो बन के बिल्कुल तैयार है। देखिए, और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है, मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।